करप्शन के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कांग्रेस अपना मुंह डिटॉल से साफ करें। सीएम गहलोत पर भी ली चुटकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर्स को अपना मुंह डिटॉल से धो लेना चाहिए। इस दौरान वित्त मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा में गलत बजट पढ़ने को लेकर भी चुटकी भी ली। निर्मला सीतारमण ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान करे ऐसी गलती किसी से ना हो। दरअसल वित्त मंत्री लोकसभा में बजट 2023 से 2024 को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही थी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने करप्शन पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तभी वित्त मंत्री ने कहा कि अरे करप्शन के ऊपर आप कांग्रेस वाले डिटॉल से इनका मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस नेता करप्शन से उठकर बात कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बजट 2023 की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में राष्ट्रकोषीय घाटे और विकास की जरूरतों को संतुलित करने का बेहतरीन प्रयास किया है। अशोक गहलोत पर ली चुटकी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगाई ने पेट्रोल डीजल के अधिक दाम का मुद्दा उठाया। इसी दौरान सीतारमण ने भी राजस्थान विधानसभा में गलत बजट पढ़े जाने पर मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया।